नमस्कार, दैनिक सवेरा टेलीविजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर हेनरी साहब। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि कांग्रेस की सरकार बनी है और इतने बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार यहाँ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिम्मेदारी भी इसके साथ साथ आपके आपकी पार्टी के कंधों पर है, किस तरह से लेके आगे जाएंगे इसको? जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है जी, उस मैनिफेस्टो को हम लागू कराएंगे। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, ड्रग की प्रॉब्लम हो, सैंड माफिया की प्रॉब्लम हो जी, और प्रायोरिटी से लेके उसको सॉल्व किया जाएगा जी। एंड पंजाब के लोग फील करेंगे कि चेंज जो आई है फॉर गुड आई है। एक एक बहुत बड़ा ने पंजाब के वोटर्स ने जी बहुत भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल दिता, और जिस पार्टी के प्रधान और होंगे मुख्यमंत्री उन्होंने लीडरशिप के थले बहुत भारी बहुमत आया। मैं पूरा यकीन है सरकार और पार्टी दोनों मिलकर इनू अगे ले जाएंगे और पंजाब के लोगों दी जिन्नियां भी मुश्किलातां ने उन्हों दूर करके रहेंगे। यानी साहब, एक बहुत बड़ा चेंज जो पंजाब की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है वो है वीआईपी कल्चर ख़त्म हो रहा है और कांग्रेस सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है ऑलरेडी। तो इससे लगता है कि पंजाब में जो इतने वीवीआईपीज़ हैं और सारी चीज़ें हैं उसमें बदलाव आ जाएगा और कितनी जल्दी आएगा? हुक्म हो गया, ऑर्डर हो गया। जब सीएम साहब ने खुद किया कि मैं इसको ख़त्म कर रहा, तो ख़त्म हो गया। क्योंकि ये पहले तो यह था कि जो कानून को तो लेकर ऊपर तक वही वीआईपी कल्चर ही था, वीवीआईपी कल्चर था। उसको ख़त्म करने के ये जरूरत है कि जो संपर्क है ना लोगों से, हाँ जी जी, संपर्क लोगों से ज़्यादा होगा बिल्कुल, कि ये कॉमन आदमी तरह रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, ना कि वीवीआईपी कल्चर के तरह हम कौन हैं ये से है। जो किया बहुत अच्छा किया, एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड। इवन जो लोग आप वाले कहते थे वो नहीं कर कहते थे, हम करेंगे। फुल्का साहब का सपोर्ट करते हैं जी जी जी। कांग्रेस पार्टी ने जो किया बहुत अच्छा किया। हेनरी साहब, कल फुल्का साहब ने कहा कि हमारी देखा देखी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, ये जो देखा देखे ना हमारे मैनिफेस्टो में था, जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी जी, जो हेडेड बाई मनप्रीत बादल, उस मैनिफेस्टो में था। मनप्रीत तो खुद मतलब कभी वो लेते नहीं है, पिछली सरकार में भी उनकी आदत थी कि वो खुद गाड़ी चला के जाते थे। मैनिफेस्टो में था, वो इंडिविजुअल थे जी, वो सरकार में थे, वो इंडिविजुअल कहते मैंने लेने, उधर से डिफरेंट थे। पर ये तो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था एंड मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट किया। और ये ड्रग्स का बड़ा इशू है, खासकर जो यूथ को देखे पंजाब का, तो लाखों की तादाद में यूथ ड्रग्स में है और हेल्थ का बहुत बड़ा इशू हो गया पंजाब में। देखो बात ये है कि कैप्टन साहब ने कहा था कि एक महीने में पंजाब ड्रग खत्म होएगा एंड होएगा, जो कह दिया उन्होंने वो होएगा। एंड वी ऑल कॉपरेट, हम एमएलए नहीं है, कांग्रेस पार्टी से उनके हिदायत है कि सबको बोलो, मैं आज भी कहता था आपके थ्रू टीवी के थ्रू जी, कि कोई भी लीडर पंजाब का ओदे कोलो मेरी बेनती है कि ओदे को ये नहीं लेके आना कि कोई शराब च पकड़ा गया, कोई अफीम च पकड़ा गया, कोई जो हीरोइन च पकड़ा गया, उसकी कोई भी पार्टी का लीडर, एमएलए, वजीर, ईवन जेडे कांग्रेस पार्टी के लीडर साहबान का कोई मदद नहीं करेगा। बेनती करते हैं कि यूथ की हेल्थ नू देखते हैं, जो क्या सी अज तो 2-3 साल पहला राहुल जी ने कहा कि पंजाब का 70% नौजवान ड्रगी हो गया, बिल्कुल, तो बाद दे विच काफ़ी विवाद भी होर भी लगी, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। तो आज उन्होंने जो पंजाब का यूथ है ना जी, ये हिंदुस्तान दे विच एक मिसाल होंदी सी, अज असी कित्थे चले गए, उन्होंने दोबारा रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरा ध्यान नहीं दे रही। 30 दिन के खत्म हो गया, कोई नहीं आपको मिलेगा क्या शिकायत आई कि ड्रग वाला पा गया। तो ड्रग में एक बहुत बड़ा इशू, शिकायत ये भी रही कभी, कल बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मीटिंग भी ली अधिकारियों के साथ में, आज भी मीटिंग हो रही है चंडीगढ़ में। तो क्या ये पिछली सरकार इस चीज़ को नहीं कर पाई कि अधिकारी जो हैं खासकर स्थानीय लेवल पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो मिले रहे आपस में और ये काम चलता रहा? ये है जी, अगर वेल हो सीएम है, सीएम से जो कहता हूँ इम्प्लीमेंट ना हो, कमजोरी किसकी है? सरकार की कमजोरी है, बिल्कुल सरकार की कमजोरी है ना।
हमारे सीएम ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एज ए पीपीसी प्रेसिडेंट, पीपीसी प्रेसिडेंट भी है बिल्कुल, ते वो सीएम भी है, सीएम भी है, उन्होंने कहा सी कि मैं एक महीने दे विच ड्रग जड़ा फ्री जड़ा पंजाब करावांगा एंड होएगा, जो उन्होंने बोल दिया वो होएगा, जो पिछे नहीं होया वो इस करके नहीं होया मिली भगत थी, ऑफिसर क्यों नहीं काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करना ही पड़ेगा, ऑफिसर को करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा? क्या ठीक है, ही इज एग्जीक्यूटिंग पावर उनके पास है, जो नहीं करेगा फिर आप बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो, बख्शन का मतलब ये है कि हार्ड लैंग्वेज नहीं मैं यूज करता, उनको जो सरकार की डायरेक्शन है उन्हें इम्प्लीमेंट करो करो। एक बात और भी उभर के आ रही, मैं जब पिछली सरकार में आप मंत्री थे कैप्टन साहब के साथ में, क्या उस समय भी इस तरह की चीज आती थी कि मंत्री कुछ कहे अधिकारी ना सुने, इस तरह की बात? ऐसा नहीं हुआ, मैं मंत्री रहा हूँ एंड जो डायरेक्शन सीएम की थी वो इम्प्लीमेंट होती थी एंड हुई है, एंड उन 5 सालों में जितनी तरक्की पंजाब की इंडस्ट्री की व्यापार की हुई है और रियल इस्टेट की हुई कभी नहीं हुई, क्योंकि जो सीएम की डायरेक्शन से वो इम्प्लीमेंट होती थी एंड हुई है, हमने कभी सिंथेटिक ड्रग की बात ही नहीं सुनी थी, ये 10 सालों में पंजाब में सिंथेटिक ड्रग ही बिगड़ा शुरू हुआ, एंड वो जो सिंथेटिक ड्रग है चाहे बढ़िया यहाँ पंजाब में बनता था चाहे हिमाचल में बनता था, वो मेरे ख्याल में जिस सरकार नो यही नहीं मालूम कि ड्रग कहाँ से आता है कहाँ जाता है, और यू ब्लेमिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर नियरली पास्ट 2 और 3 ईयर हो गए, सरकार सेंटर में भी इनकी थी जी, सेंट्रल सरकार कहती है कि हमारे बीएसएफ वाले लगे बाहर से नहीं आता, तो फिर किसकी जिम्मेदारी थी? इन लोगों की जिम्मेदारी थी ना, इन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसका कारण है कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी जी है बहुत थम्पिंग मेजोरिटी ने आई है, एंड आई इंश्योर यू ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी आई एम नॉट अंडर गवर्नमेंट एज ए पार्टी वर्कर के तौर के उत्ते मैं यकीन दिलाना कि पंजाब नू ड्रग फ्री जरा करा के देवा। एक बड़ी बात यह भी कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के दावे हुए पंजाब के अंदर पिछली सरकार ने किया, लेकिन पंजाब की स्थिति देखें, जो जीडीपी है पंजाब का और लोगों के ऊपर जो कर्ज लगातार बढ़ रहा है, उसको किस तरह टैकल करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस के सामने। बात है कि पंजाब की जीडीपी सब तो ऊपर होती थी, आज सब तो लोअर है, लोएस्ट है, कैसे जी? क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, 20,000 फैक्ट्री बंद पंजाब में हो गई, तो जब जो रॉ मटीरियल तो आता नहीं है जी, रॉ मटीरियल आता नहीं है, रॉ मटीरियल यहाँ रॉ मटीरियल से वहाँ कुछ बन के बाहर नहीं जाता, तो जीडीपी कहाँ से आएगी? ये कंपिटेंसी नहीं थी इस गवर्नमेंट ने, सवाए दूसरे पास से उधर ध्यान ज़्यादा था, इस पास से ध्यान नहीं दिया। मैं मुझे मालूम है जब 2003 में इंडस्ट्री मिनिस्टर था, कैप्टन साहब ने बनाया मुझे, तो उस टाइम भी जो आपका मोहाली का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ को प्लान नहीं लेता था, एंड उस टाइम सीएम के डायरेक्शन के तौर पे और सीएम की ब्लेसिंग और सीएम ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के नाल करके उस टाइम से जो कॉरिक था बड़ी बड़ी फैक्ट्री ले आई, तो पंजाब में उन टेन्योर में इनके इतना डेवलप हुआ मोहाली हुआ और वहाँ जो रियल स्टेट डेवलप हुई आज तक। तो क्या लगता है कि वेल होती गवर्नमेंट की? अभी अभी गवर्नमेंट की वेल है, मैं आपको ये जरूर यकीन दिला सकता हूँ कि कैप्टन साहब की जो विजन है ना, आपके साथ इंट्रैक्शन हुई नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर जो उनकी वेल विजन है बहुत है। एक रियल इस्टेट सेक्टर का देखें तो पूरे पंजाब में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, अभी जब 2003 में आपकी सरकार थी पंजाब में तो तभी स्थिति अच्छी थी, अभी सब जगह गिरा हुआ, पूरा स्लंप है, तो क्या उम्मीद करें कि जो प्रॉपर्टी मार्केट में लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो इंडिविजुअल निवेशक हैं हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं, उनका कुछ उनको कुछ होप होगा? बिल्कुल होगा, जब इंडस्ट्री आएगी जी, जब इंडस्ट्री वजह फूलेगी, इंडस्ट्रीज वजह फूलेगा, व्यापार फूलेगा, उसके बाद रियल इस्टेट भी चलेगी। और इंडस्ट्री का क्या होगा जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं अभी तक, मतलब देखो ये पॉलिसी में है कि जो बाहर गए हैं उनको रिहैबिलिटेट भी किया जाएगा, कुछ जो जो इंडस्ट्री पॉलिसी में कुछ सहूलता भी दी गई थी जो मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, बिल्कुल वही मैं वो जो उनको लागू करके उनको जरूर उनको वापस बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे एंड वो करेंगे। अभी अभी तो बिजली भी स्थिति ठीक है पंजाब में ऑलमोस्ट,
जब फैक्ट्रियां बंद हो जाए तो बिजली की स्थिति ठीक हो जाएगी। अकेला जो थोड़ा गोविंदगढ़ है वहाँ 80% इंडस्ट्री बंद हो गई, बंद हो गई सारी, वहाँ इतनी कंज्यूम होती थी, जब चलेंगी तो बिजली भी पूरी देंगे। बिल्कुल, ऐसे वैसे जीडीपी तो इसके साथ भी चलती है जो फूड होता है। तो आपका फूड के टाइम पर आज कितना घोटाला हुआ, कहते हैं कि 31,000 करोड़ रुपया का फूड में घोटाला हुआ। मैं एज ए फूड मिनिस्टर, मैंने 3.5 साल सेवा करने का मौका मिला, कैप्टन साहब ने मैंने जिम्मेवारी सौंपी थी, एक पैसे का घोटाला नहीं था, एक पैसा मिस नहीं हुआ। 31,000 करोड़ रुपया अब इन लोगों ने लोन लिया, उसको एडवर्ट किया, तब सीसीएल जड़ी है, कैश करंट लिमिटेड जड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो दवाई है RBI को, वो 31,000 करोड़ रुपया कहते हैं बैंक कर्जा लेकर के, वो किसके सर पर पड़ा है, पंजाबियों पर पड़ा है ना। बिल्कुल, किसके नलायक की है, गवर्नमेंट की है, कि गवर्नमेंट ने चेक नहीं किया, अगर शेरलर ने चोना लगा दिया तो वो खा गया, किसी पास 18 करोड़ रुपया, किसके 20,000 करोड़ रुपया। बिल्कुल, तो दो तीन चीज़ें खासतौर पर हेनरी साहब से बात करने के बाद निकल के आ रही है कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा जो मिनस है उसको जल्दी से जल्दी रोका जाए, सेकेंड कि जो इंडस्ट्री पंजाब से बाहर चली गई है हिमाचल गुजरात और बाकी स्टेट में उसको वापस लाएं, तो कुल मिला के इस सरकार के सामने चुनौतियां काफ़ी बड़ी हैं, और साथ साथ लोगों को रोज़गार देना, युवाओं को रोज़गार देना ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस सरकार के सामने कैप्टन सरकार से उम्मीदें काफ़ी बड़ी हैं, हेनरी साहब भी कह रहे हैं पार्टी के काफ़ी सीनियर आगू हैं कि पंजाब की स्थिति बेहतर होगी, जो युवा ड्रग्स में है उनको बाहर निकाला जाएगा और पंजाब की जो माली स्थिति है उसको बेहतर बनाया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।